क्लास टेंथ मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या है जो प्रश्नावली 1.4 है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ, आपको एक बार में ये वीडियो समझ में आ जाएगी, बस बिना स्किप किए हुए देखना तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा। सो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पहला कह रहे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, ये आपको बताना है। सो उसके इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एम्स जो होते हैं नियम वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपको नोट करके लिख लेना है। तो लिखेंगे यदि हर का गुणनखंड करने पर वह, देखो पहला अगर वो 2m के रूप में आ रहा है यानी कि 2×2×2× इस रूप में आ रहा है तब क्या होगा, शांत। ठीक है, तब क्या होगा, शांत। अगर सिर्फ 5×m के रूप में आ रहा है यानी कि 5×5×5× ऐसे आ रहा है तब भी क्या होगा, शांत। अगर 2×5×5n आ रहा है यानी कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है तब भी क्या होगा, वो शांत होगा। अब देखो अगर 2 भी हैं 5 भी हैं और 3 की पावर कुछ है तो ये क्या होगा, अशांत होगा और आवृत्ति होगा। ठीक है, सिर्फ 3 ये सब नहीं है, 3 सपोज करो 7 ये सब कुछ आ रहा है, कुछ अभाज्य संख्या आ रही है ऐसे गुणा गुणा में तो पता ही क्या होगा, तब अशांत होगा और अनावर्ती होगा, मतलब अनावर्ती। ठीक, इसको बस याद रख लो, आपका क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन यू चुटकियों में बनेगा। ठीक है, बस इस चीज़ को जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर देख रहा है ना उसको अच्छे से लिख के याद कर लो, बाकी आपका हर एक क्वेश्चन फिर आराम से बनेगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन हमारा है 13/3125। ठीक है, ये चीज़ है तो क्या कहते हैं, हर का गुणनखंड करने पर, अब आपको गुणनखंड करना है तो आप क्या लिखोगे, हर का गुणनखंड करने पर, तो यहाँ क्या लिखो, 3125 किससे कटेगा, इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा, 5×6=30, 5×2=10, 5×5=25, 5×5 5×2=10, 5×5=25। ठीक है, 5×2=10, 5×5 कहीं गड़बड़ तो नहीं की थी हमने, 5×5 5×2=10, 5×5=25, 5×2=10, 5×5=25। ठीक है, 5×5=25, 5×5 तब तक करते जब तक एक ना जाए। अब देखो सारे 5 आए हैं, देखोगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 5×5 की रूप में है, अतः यह क्या होगा, शांत होगा, अतः ये क्या है, शांत है। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। तो देखो क्या करना है, हर का गुणनखंड करने पर यहाँ 8 लिखोगे, 2×8 2×2=4 2×1=2 तो गुणनखंड किस रूप में, 2×2×2 यानी कि 2×3 के रूप में आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, चूँकि यह 2×m के रूप में है
अतः यह शांत होगा। तो ये भी क्या है, शांत है, ठीक है, आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। चौसठ बट्टे 455, तो क्या करना है, 455 को वर्गीकरण करना है, 5 से कटेगा, 5 में 45, 5 एकम 5, फिर कटेगा किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। तो देखो इसमें 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ 5 आ रहा है और उसके अलावा 7 और 13 भी आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 5 × 7 × 13 के रूप में है, अतः यह अशांत होगा, ठीक है। चौथे वाले पे आ जाओ, 15/1600, ठीक है, 15/1600 है। अब 1600 का गुणनखंड करो, 2×8 00, 2×6 00, 2×2 00, 2×1 00, 2×5 0, 5×0, फिर 2×5 0, फिर 5×5। तो इसमें देखो सारे 2 और 5 ही आ रहे हैं, है ना, 2 और 5 ही है ना सारे, तो कह लो चूँकि यह 2×5, 2 कितनी बार है, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 और 5 कितनी बार, 2 के रूप में है, ठीक है, अतः यह शांत होगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पांचवे पार्ट में। पांचवा पार्ट हमारा क्या है, 29/343। तो देखो 343 का करेंगे गुणनखंड, तो किससे कटेगा 343, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 243 है पांचवा क्वेश्चन। तो सोचो 3 × 4 7 7 3 10, नहीं कटेगा ये, ठीक है ना। सो 7 से काट के 7×28 कितना बचा, 7 × 63 77 जा, तो 7 देखो गुणनखंड करने पर क्या आ गया, ये 343 का गुणनखंड किया, अगर 7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो सिर्फ 7 है, 2 5 नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत होगा, अशांत और आवृत्ति होगा, ठीक, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां भी, छठे पे तो कुछ करना ही नहीं है, छठे पे तो करके दे रखा है उसने, 2×3 और 5×2, तो 2×5 के रूप में है, तो ये क्या होगा, शांत। लैंग्वेज नहीं लिख रहा मैं, लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, ठीक है। सातवें पे आ जाओ, सातवें पार्ट पे क्या है, देखो 129, 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है और 7 की घात 5 है, 2 और 5 तो है, उसके अलावा क्या है, 7 भी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां, 6/15, तो 15 का जब करोगे, 3×5 = 15, सो 15 का गुणनखंड क्या आ रहा है, 3×5, 5 है, 5 के अलावा 3 भी है, अर्थात ये क्या होगा, अशांत, ठीक है, ये क्या होगा, अशांत होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9वां,
35 बट्टे 50, सो 50 का गुणनखंड करो, 5 का 5, 5 0, 5 दुनी 2, 1 कम। तो ये गुणनखंड करने पर देखो 50 क्या आ रहा है, 2 गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार, सो 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत। लैंग्वेज तो वही रहेगी, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, अर्थात यह शांत होगा, ऐसे लिख देना है लैंग्वेज। 10वें पार्ट पे आ जाओ, क्या है 77 210। अब इसका फैक्टर करो तो किससे कटेगा, 3 7 21 0, ठीक है, 7 1 कम 0, 2 5 10, 5 1 कम 5, ये आ गया। देखो जब गुणनखंड किया हमने 210 का, तो 3 आया, 7 आया, 2 आया और 5 भी आया, 2 और 5 तो चलो है, साथ ही साथ ये 3 भी है और 7 भी है, जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। सो ये क्या होंगी, अशांत होंगी, ठीक है, आराम से हो गए सारे। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, में कैसे आपको छांटना है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टे q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, सो नंबर 1 की बात करें, ये क्या है 43.12345678 9, ये चीज़ है। सो देखो ये एक शांत है, दशमलव का प्रसार क्या है, देखो शांत दिख रहे हैं, कभी भी दशमलव जब शांत होती है, ऐसे देखो चूँकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। जब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, यह एक परिमेय संख्या होगा। अब इसे पी बट्टे क्यू के रूप में भी लिखना है, ठीक है, इस दशमलव को यहाँ से हटा दो, नीचे एक लिखो, पीछे कितने संख्या है 9, तो 0 बढ़ा दो, कितने 0 बढ़ेंगे 9, 3 2 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आगे पी बट्टे क्यू के रूप में हमारा आराम से। नंबर टू देखो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो दशमलव प्रसार शांत तो वैसे भी नहीं है, शांत अगर नहीं होता तो हमें एक पैटर्न मिलना चाहिए कि जो चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे कि इस क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर डंडा लगा पड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डंडा नहीं, 120 के बाद 1200 है, फिर 12 के बाद 000 है, तो कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। लिखेंगे दूसरे संख्या लिखने के बाद आप कहेंगे चूँकि कोई भी पद या संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ये, अपरिमेय संख्या तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाओ, तीसरे वाले पार्ट में देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा पड़ा है, यानी कि ये चीज़ बार बार आएगी, हालांकि ये अशांत है, लेकिन पैटर्न मिल चुका है हमें ऊपर, जब भी पैटर्न मिल जाता है तो ये संख्या क्या है, चूँकि संख्याएँ बार बार एक ही रूप में आएंगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है, तो
तो 43, अब जो भी संख्या है ये लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट हटा दो और पीछे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, नौ, ये पी बट्टे क्यू के रूप में लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।